सभी बहनों को नमस्कार। आज हम खौलबाग जा रहे हैं धामी जी के स्वागत में, आप भी चलिए। धन्यवाद। मनस लगा डाप जे भेल मैया वाला लगा दियो बेल को ढक्कन लगा दियो ये डाप जे होगा या नोड़ा ना डाप ढक्कन ठीक कर दियो ते डाप ढक्कन क्लिप में तल तल लोग मन पड़े सब ढक्कन सही है जाए। आज मेरी एक ब्लॉगर हमारी दीदी आई है। देखिए दीदी आप कुछ कहना चाहती हैं? यार क्या कहूँ मैं, मेरा ब्लॉग देखते रहिए और ये लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं यार, आप भी करना। ओके, मेरा ब्लॉग का नाम है लीला दिरोड़िया पहाड़ी ब्लॉग और डेली रोज आता है, रोज शाम को 7 बजे। ये देखिए रेखा जी भी बैठी है यहाँ पर, देखिए हाय हाय। ये मेरे हर हमेशा जय श्री राम ब्लॉग में रहती हैं। ये देखिए हाय जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। अभी दीपा दीदी नहीं आई है, मेन चीफ गेस्ट। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे देखो दामी जी के स्वागत में देखो सब लेडीज कितनी अच्छी बनी है, देखो कितनी सुंदर लग रही है, कलश यात्रा में जा रही है, देखिए सबके हाथ में कलश है। ये देखिए, ये देखो सब तैयार होके कितनी सुंदर सुंदर दुल्हने बनी हुई है। देखो ये देखिए, ये देखो, हेलो हेलो, देखिए रामी जी के स्वागत में जा रहे हैं कलश यात्रा। देखिए हमारी ये लेडीज सब जा रही हैं, देखिए पीछे से आ रही हैं सारी। ये देखो ये भी है। हाँ यार देखो तो ठंडा हो गया है आज, कोहरा छा रहा है। देखो बिल्कुल मौसम बड़ा सुहाना है। देखिए हॉलबाग जाने के लिए हॉल लग गया है, हॉलबाग जाने के लिए हॉल लग गया है। देखिए सब फूलों के, देखो ये कलश अपने तैयार करके, देखिए ये पीछे से भी आ रही है लेडीज ने। देखिए आधे तो हम बस में आए और आधा हमको पैदल जाना पड़ रहा है, हॉलबाग भी पैदल जाना पड़ सकता है अभी। हो सकता है हॉलबाग भी हम पैदल ही जाएं। एंट्री भी कर रखे हैं। आप बोलो, हाय आगे बोलो, हाय गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम जा रहे कलश यात्रा में धामी जी की स्वागत, और मौसम देखो मस्त मौसम, सुहावना मौसम, कोहरा लगा है फिर भी एक उत्साह है औरतों में उत्साह। हॉलबाग मिलेंगे आपको इस हॉल में, हॉलबाग मिलेंगे जो ये हॉल लगा है, इस हॉल में हॉलबाग मिलेंगे। ये हमारी दीपा दीदी हैं। दीपा दीदी हाय बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? राधे 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 राधे। देखो बताइए आप भी, हम करुण नाना है। हम दीपा दीदी के साथ हैं भैया, भू करुण नाना, भू करुण। हम लोग नहीं तो सेफ नहीं रह पाएंगे। ठीक ठीक, जो बोलेंगे आप आपके पीछे हम भी बोलेंगे, है नी, हम आपके पीछे हैं क्योंकि बहुत जरूरी है ना। देखो एक छोटा सा सरकारी जमीन वो खाली करवाने में हल्द्वानी में वैसा कर दिया ना, हम कल को क्या करेंगे बताओ। सही बात, इसलिए भू करण बहुत जरूरी है। हमारी ममता जी बहुत अच्छी सास है, एक अच्छी इंसान है, से भी ज्यादा पहन रहे छोटा वाला भी बड़ा पहन रखा है अभी। मैं भी हूँ ना,